अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से अपनी स्टडी कर रहे हैं और आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट आ गया है या आप उसमें रीअपेयर होना चाहते हैं, उसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन जो कंपार्टमेंट का फॉर्म है, रीअपेयर का फॉर्म है, वो कैसे फिल करेंगे, तो आप उसके लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर चले जाइए। लेटेस्ट न्यूज़ में आप देख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले अगर आप पंजाबी फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बिकॉज आप जब फॉर्म फिल करेंगे आपका जो नाम है कन्वर्ट होगा पंजाबी में, ना भी करेंगे प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन स्टेटस फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं रिकैप है और कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्टर किया अपनी डिटेल सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल करके अपनी आप डिटेल्स सारी फिल करके यहाँ से रजिस्टर करेंगे। तो ये तो चलिए पहला हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले फ़ी शेड्यूल देख लीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है आपका सप्लीमेंट्री मैट्रिक्स फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेट दी गई है विदाउट लेट फीस, तो यहाँ पर दी गई है 28 जो है से लेकर 11/9 तक, मीन टू से 28 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक। और आफ्टर जो आपकी लेट फीस है डेट के बाद, जैसे आप 11 लास्ट है, उसके बाद अगर आप 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में करेंगे फिल, तो आपका 500 एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप इसके बाद करेंगे 19 से 25 तो आपका 1000 लगेगा। और अगर आप और लेट करेंगे 26 ऑफ सितंबर से लेकर 1st ऑफ देन सौन तक, अक्टूबर तक, तो आपके 2000 लगेंगे। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, टाइमलेस को फिल कर दीजिए, क्यों ऐसे ही पैसे वेस्ट करने हैं। और उसके बाद यहां से आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस फॉर मैट्रिक का, और यहां पर आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी का। यहां पर मैं इनकी एक मिस्टेक भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए मैंने ये डाउनलोड किया था प्रोस्पेक्टस सप्लीमेंट्री एग्जाम का, तो दिस वन इज़ फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैट्रिक के लिए है, तो ये पूरा आप डिटेल वगैरह रीड कर सकते हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। यहाँ पर सारे स्टेप्स दिए गए हैं, वो आप सारे देख सकते हैं। जो मैंने लेट फीस वगैरह का सारा बताया यहाँ पर सारा दिया गया, आप इसको रीड कर सकते हैं, पंजाबी में है, आप इसको ईजिली रीड कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी कन्वर्टेड करके बता रहा हूँ। ऑनलाइन आपका यहाँ पर फॉर्म होगा, सबसे पहले यहाँ से आपने रजिस्टर करना है, न्यू यूज़र पर जाके क्लिक हेयर टू रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया तो आपने लॉगिन करना है। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो फॉरगेट रेफरेंस पे जाकर उसको आप रिकवर कर सकते हैं। ये तो था 10th के लिए। जब हम यहाँ से प्लस टू का 12th का डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इन्होंने एक ही पेज अपलोड किया है, बाकी जो डिटेल है वो PDF में अटैच नहीं की। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आपका डाटा है PSEB बोर्ड वालों को, ये ऑल ओवर सारा पंजाब असेस करता है, प्लीज़ इसको थोड़ा देख के अपलोड करा करें। इसमें देखिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं है रिगार्डिंग सीनियर सेकेंडरी। और यहाँ पर देखिए डेट्स तो इन्होंने स्पेशल यहाँ पर दे दी हैं बड़ी ही स्ट्रिक्टनेस से, कि आपकी जो डेट्स हैं यहाँ पर ये उसके बाद आपका 500, 1000, 2000 करेगा। लेकिन ये मिस्टेक्स कौन देखेगा, ये मिस्टेक्स भी आपने ही देखनी है। अब 12th वाले बच्चों को गाइडलाइंस पता ही नहीं है, वो फिल कैसे करेंगे, कैफे वगैरह से करवाते हैं, डेट्स गुड, वहाँ पर उनको गाइडलाइंस पता है। लेकिन आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फीस तो आपको पता है लॉकडाउन वगैरह के कारण, कर्फ्यू करा के कारण काफ़ी ज़्यादा जो फैमिलीज हैं उनके पास पैसे ही नहीं है इतने कि वो खुद कैफे वगैरह में जाकर अप्लाई करवा सकें, तो वो ऑनलाइन खुद ट्राई करते हैं, खुद भी फिल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वीडियो वगैरह देख के। लेकिन अगर आपके पास गाइडलाइंस ही नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है PSEB बोर्ड से, तो प्रॉपरली डाटा देख कर अपलोड किया करें। ये देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1 out of 1, और ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने अपनी कंपार्टमेंट या रीपेयर फिल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू यूज़र, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया यहाँ पर रेफरेंस नंबर और रोल नंबर फिल करेंगे। अगर आप भूल गए हैं रेफरेंस नंबर तो फॉरगेट रेफरेंस नंबर से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर न्यू यूज़र करेंगे, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। यहाँ पर अपनी आप चूज़ करेंगे कैटेगरी कि आप रीअपीयर कंपार्टमेंट है या एडिशनल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे मैट्रिक का है या आपका सीनियर सेकेंडरी का है। मैट्रिक मीन्स 10th, सीनियर सेकेंडरी मीन्स प्लस टू 12th।
एग्ज़ाम आपका जो हमने एडिशनल किया प्राइवेट है तो प्राइवेट चूज़ कर दीजिए। बोर्ड आपका कौन सा इनमें से, जैसे ये पीएससीबी बोर्ड ही, सॉरी हाँ पीएससीबी बोर्ड ही आएगा, तो बिकॉज़ ये पीएससीबी का क्या है, यहाँ पीएससीबी कर दीजिए। मंथ आपका कौन सा है जिसमें आपका सेशन था, तो सेशन यहाँ पर आपका 2020 ही होगा। अगर आपका पुराना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, तो 2020 का है। उसके बाद आप यहाँ से कर लीजिए आपका ओल्ड रोल नंबर। देखिए अगर आपका ओल्ड रोल नंबर नहीं है तो आप उसको फिल नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ से यहाँ पर ओल्ड रोल नंबर फिल कर देता हूँ। जैसे ये सेशन था 2018 का, तो यहाँ से आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप फिल करके जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ और डिटेल फिल करे मांगेगा फिल करने के लिए, वो फिल करके कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ये मैंने एक फॉर्म फिल किया था, तो यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा जिससे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट का उसको चूज़ करिए। एग्ज़ाम टाइप क्या है, प्राइवेट हमने चूज़ किया था। और ये जो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिटेल ऐड करते हैं इसको एक्यूरेटली फिल करिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। सो प्राइवेट किया था, रोल नंबर था, यहाँ पर सेशन था, उसके बाद रिजल्ट था, सॉन था, यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल आ गई, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आ गया, यहाँ पर जेंडर वगैरह सारी डिटेल फिल करके यहाँ से आप तहसील वगैरह जो आपको पड़ती है यहाँ से तहसील 2 पड़ती है, उसके बाद आपका एड्रेस, यहाँ पर किस सब्जेक्ट की आपकी कंपार्टमेंट है, रियर पर है, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की कंप्यूटर की थी, और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं कैंडिडेट के। इनका साइज़ दिया गया है 5 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और 5 to 50 के ही आपके होने चाहिए सिग्नेचर। जब आप इसको आप फोटो अपलोड एंड साइन पर कर देंगे, अगर आपको आपके बीच में गलती है उसको आप गलती को अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज सारा आप फिल करके अपलोड फोटो एंड साइन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह आ जाएगा, तो उसको आप देख लेना क्या प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस है फ्रेंड, मेरे पास कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो मैं आपको एक प्रैक्टिकली फ़िल करके बता सकूं। अगर आपका फॉर्म है फिल करने वाला आप मेरे थ्रू फिल करवा सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, और जो मिस्टेक थी बोर्ड ने किया वो मैंने आपके सामने शो कर ही दिया कि इन्होंने सिर्फ एक ही पेज अपलोड किया जस्ट फ्रंट, बाकी जो गाइडलाइंस है वो तो इन्होंने अपलोड ही नहीं की। क्लास 12th की 10th की अवेलेबल हैं, तो बाकी फ़िलहाल प्रोसेस तो सेम ही होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर भी अपलोड होना चाहिए बिकॉज वो था 10th और वो था प्लस 2, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस। यहाँ पर जो भी आपकी क्लास है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज क्लिक हियर टू अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ जो टोल फ्री नंबर है इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फिलहाल ये कॉन्टैक्ट नहीं उठाते, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कॉल किया है। तो बाकी आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि गलती मत करिएगा, नहीं पता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सोल्यूशन ले सकते हैं। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपका रोल नंबर है जो उसको एक्यूरेटली फिल करिएगा, बिकॉज एक बार आपने फिल कर दिया तो आपकी करेक्शन नहीं होगी। बाकी सारा मैंने आपको जो प्रोसेस है वो सारा गाइड कर दिया कैसे होगा, और फिल करने से पहले आप यहाँ से जो भी गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपरली रीड कर लीजिए, और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डेट इन फ्यूचर जो भी ऐसे यूजफुल लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे उनका जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।